नमस्कार, मैं हूँ निशा मधुलिका। आज हम बनाएंगे कॉर्न मसाला। बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी है, हेल्दी भी है, झटपट बन जाती है। और आज मैं इस सब्ज़ी में एक मसाला यूज़ करूँगी जिससे हमारी सब्ज़ी और ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बनेगी। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। पैन गरम कर लेंगे और इसमें डाल देंगे हम 2 टेबल स्पून तेल। गरम होने देते हैं। इसमें डालेंगे हम 1 छोटी चम्मच जीरा। जीरे को हल्का सा भूनेंगे, फ्लेम धीमी कर लेंगे ताकि मसाले जले ना। 1/2 पिंच हींग। हींग बहुत कम डालते हैं, सब्जी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अलग से हींग का टेस्ट नहीं पता लगता। 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए और 1 छोटी चम्मच अदरक का पेस्ट। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट करके भी ले सकते हैं। हल्का सा भूनते हैं और ये 2 टमाटर बारीक कटे हुए, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और टमाटर को हमें एकदम मैश होने तक पकाना है। इसमें हम डालेंगे 3/4 छोटी चम्मच नमक, अभी डाल देते हैं ताकि टमाटर फटाफट पक जाए। और ये 1 छोटी चम्मच रेड चिल्ली पाउडर। देगी मिर्च है, कम तीखी होती है लेकिन सब्ज़ी को अच्छा कलर देती हैं। मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। टमाटर को मैश करते हुए पका लेते हैं थोड़ा सा। ये हमने 1 कप स्वीट कॉर्न ले लिए हैं और ये हमने 1 कप उबले हुए आलू छील कर काट कर ले लिए हैं। इसे हम 2-3 मिनट के लिए ढककर धीमी आग पर पकने देंगे ताकि सारे मसाले आपस में जज्ब हो जाएं। 4 मिनट हो चुके हैं, सब्जी भी पककर तैयार है। फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ करते हैं और सब्जी को चला देते हैं। सब्जी ऑलमोस्ट तैयार हो गई है। अब हम डालेंगे इसमें 1 पैक मैगी मसाला, ये मैजी। इस मसाले के 1 पैकेट में आपको मिलेगा 10 भुने मसालों का मिश्रण, जो बनाएगा आपकी सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और ये 1/2 नींबू का रस। तो मैं इसे प्याली में निकाल लेती हूँ क्योंकि हो सकता है कभी नींबू के रस में बीज निकल आए। ये रस मैंने निकाल लिया और इसे हम मिला देंगे। सब्जी का टेक्सचर एंड खुशबू बहुत अच्छी है। सब्जी बन चुकी है, निकाल लेते हैं इसको प्लेट में। कॉर्न मसाला सब्जी सर्व करने के लिए तैयार है। बहुत ही टेस्टी बनी है, झटपट बन गई है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के सब्जी की गार्निश कर देते हैं। इसे आप चपाती, पराठे या राइस किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं, सबको पसंद आएगी। मैगी मसाला ये मैजिक के साथ सब्जी को आप बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि आपके लिए मुझे कौन सी नई रेसिपी बनानी है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।